राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे मालदीव की मीडिया की एक खबर आई है कि आज शाम सिंगापुर एयरलाइंस के विमान से सिंगापुर रवाना होंगे। अभी मालदीव के एक रिजॉर्ट में ठहरे हैं गोटबाया राजपक्षे, श्रीलंका के राष्ट्रपति जो फरार हुए थे, और आज शाम ही मालदीव से सिंगापुर जा सकते हैं। उन्होंने शरण मांगी है और ये सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट से वो जाने का प्रयास करेंगे। इस वक्त गोटबाया राजपक्षे मालदीव के एक द्वीप में एक रिजॉर्ट में ठहरे हुए हैं। खबरों में यह कहा है कि युद्ध अपराधी सिंगापुर जा सकते हैं, यानी जो चार दिन से श्रीलंका में बवाल है वो अब एक बार फिर बढ़ गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश को छोड़कर आधी रात में मालदीव्स चले गए और श्रीलंका की जनता आज सवेरे नाराज होकर सड़कों पर उतर आई, संसद भवन पर कब्जा किया, प्रधानमंत्री के कार्यालय में घुसने का प्रयास किया, और जब भीड़ को पुलिस ने रोका तो फिर हंगामा मच गया। जब हंगामा बढ़ा तो क्या हुआ? आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा इस समय ग्राउंड जीरो पर है, वो उस समय भी मौजूद थे ग्राउंड जीरो पर, और देखिए उनकी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। शॉट्स बीइंग फायर्ड राउंड आफ्टर कोलंबो की सड़कों पे एक बार फिर तमाशा शुरू हो गया है। 9 जुलाई को हमने जो कुछ भी देखा लगभग वही तस्वीर एक बार फिर देख रहे हैं तमाम प्रदर्शनकारी। जैसे ही पता चला कि राष्ट्रपति देश छोड़कर जा चुके हैं उसके बाद ये लोग नाराज होकर प्रधानमंत्री आवास और उनके घर की ओर भागे, और अब आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पर पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, बैरिकेड तोड़ दिया गया, पहला बैरिकेड तोड़ दिया गया है, और ये हजारों की संख्या में थे प्रदर्शनकारी। पीछे मैं कैमरामैन खड़ा हूं, हाथ पीछे से आर्मी की बस आ रही है, ये सेना को बुलाया गया फिर से, पहली तो कोई हार गई, आगे फिर से देखिए ये श्रीलंकन सेना है जो अब आगे बढ़ रही है, और प्रदर्शनकारियों ने रोक दिया है, सेना की बस को यहीं पर रोक दिया गया है। ये सेना की बस है, आगे बढ़ रही थी ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा रहा है, वहां से हवाई गोलियां और साथ में टीयर शेल लगातार फायर किया जा रहा है, और ये इसलिए ताकि देखिए यहां से भी फिर टीयर शेल लगातार टीयर शेल दागे जा रहे हैं। ये भी देखना मुश्किल है कि आखिर आ कहां से रहा गोला। प्रदर्शनकारी आग बुझा रहे हैं, गीले कपड़े डाल रहे हैं उस पर, और ये 9 जुलाई को बिल्कुल यही कुछ कोलंबो के सड़कों पे हुआ था। दरअसल ये सारे लोग नाराज थे, प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के घर जा रहे थे, उनको रोकना चाहते थे और चाहते थे कि वो इस्तीफा दे, लेकिन जब तक वो पहुंचे पुलिस ने डिस्पर्स करने के लिए पहले गोलियां चलाई, टीयर शेल चलाए, और जब ये भागे तो उनको देखते हुए गले फिर जो प्रोटेस्ट साइडें दिखे लगातार यहां पे टीयर गैस छोले जा रहे हैं। दरअसल प्रदर्शनकारियों को एक चौराहे पर घेरने की कोशिश है, देखिए उसके पीछे भी हजारों लोग हैं, और ये लगातार आप देख पा रहे जो गोले की यहाँ पर देखना कुछ भी मुश्किल, आंखें जल रही होंगी सबकी। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने कपड़े उतारे, वो देखिए वहां पर किसी का घर है, वहां से पानी ले लिया और सबके कपड़े उतार के उन्होंने गीले किए ताकि आंखों को बचाया जा सके। 9 जुलाई की तस्वीर एक बार फिर श्रीलंका की सड़कों पर जिंदा हो उठी है, और अब ये लोग संसद पर प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे का जो घर है वहां और उनके दफ्तर पर जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया। कुछ वही तस्वीरें जो 9 जुलाई को दिखाई दी थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों का बड़ा धड़ा देखिए आगे तोड़ दिया, बैरिकेड तोड़ करके आगे पहुंच चुका है, और अब पहला बैरिकेड टूटा है, आगे और भी बैरिकेड लगाए गए हैं और रोकने की कोशिश हो रही है, लेकिन सारी कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। यहाँ कुछ भी देख पाना मुश्किल है, ये एक टीयर शेल ठीक मेरे पास गिरा बिल्कुल यहाँ पे, कुछ भी देख पाना यहाँ पर मुश्किल है। और ये इसलिए है ताकि सेना को यहाँ से जा, सेना की जो बस फंसी है इनको जाने का मौका दिया जाए, इसलिए देखिए उधर से एक तरफ से लोगों को रोका तो यहां से हजारों फिर एक बार पहुंच चुके हैं, कुछ भी देख पाना इस समय यहां पर मुश्किल है। ये सेना की बस जो है पीछे पलट रही है ताकि वो दूसरे इलाके की ओर जा सके। ये एक प्रदर्शनकारी है बेचारे जो पानी देकर, एक शायद बच्चा यहां कोई घायल हुआ है, की जरूरत सबसे ज्यादा होगी ताकि आंखें साफ करें, मेरे कैमरामैन को भी पानी की जरूरत है इस समय आंख साफ करने के लिए, क्योंकि यहां से पी
तो आपने परिस्थिति देखी कि आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं। आंसू गैस के गोलों के साथ साथ खबर यह भी आ रही है कि पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी भीड़ को तितर बितर करने के लिए। कोलंबो की सड़कों पर इस समय जबरदस्त तनाव है, प्रदर्शनकारियों का जवाब और गुस्सा बढ़ रहा है। पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए सख्ती दिखाई। क्या हुआ फिर देखिए, ये एक बार फिर देखिए भारी संख्या, मतलब गिनती भी मुश्किल है, अचानक से शायद 50-60 गोले एक साथ दागे गए हैं। ये देखिए, इसीलिए अब किसी के लिए भी रुकना यहाँ मुश्किल है। हालांकि इसके पहले एक टुकड़ी आगे बढ़ी थी सेना की, और अब ये पीछे से जो गाड़ियां हैं उन्होंने इतने सारे गोले एक साथ फेंके हैं कि अब यहाँ रहना बिल्कुल मुश्किल का। पूरी की पूरी टुकड़ी एक साथ भाग रही है, और वहां से पुलिस और आर्मी मार्च कर रही है आगे इनको खदेड़ने के लिए। और अब ये जो स्थिति, बहुत ज्यादा लोग खांसते हैं, आंखों को जलते हुए, आंखों में जलन हो रही है, रोते चीखते हुए भाग रहे हैं। देखिए लोग घायल हो चुके हैं यहाँ पर, और पीछे वो गाड़ियां हैं जिनके पास पानी की मदद कर रहे हैं ताकि वो यहाँ से निकल सके, किसी तरह जान बचा करके लोग भाग रहे हैं। ये मिलिट्री ग्रेड के आंसू गैस के गोले बहुत समय, देखिए सड़कों पर जो आप अफरा तफरी देख रहे हैं, किसी चीजें तितर बितर हो रखी है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है यहाँ पर क्या हाल हुआ होगा। सांस नहीं लिया जा सकता यहाँ पे। और देखिए जो पिछली टीम है वो फिर आगे बढ़ी है कि जो गोले एक साथ फेंके, देखिए यहाँ पर लोग घायल हुए हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं, बस यहाँ से निकलना चाहते हैं, जूते चप्पल सड़कों पर पड़े हुए। लेकिन ये देखिए किनारे, सारे के सारे किनारे हो गए हैं, सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं यहाँ पे। और अब जो जानकारी हमें अभी स्पीकर दफ्तर से दी गई, औपचारिक रूप से कह दिया गया कि हाँ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया गया है कि रानिल विक्रम सिंघे ही एक्टिंग प्रेसिडेंट होंगे, सागर फैसला वही लेंगे जब तक कि दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधानों की और प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है। देखिए एक साथ ये समझना भी मुश्किल, जैसे देखिए वैसे एक राहत है कि हवा की जो डायरेक्शन है वो दूसरी तरफ की है, इसलिए धुआं जो है निकल जा रहा है, लेकिन ये कहाँ से आ रहे हैं ये समझना भी बड़ा मुश्किल है। अपने कैमरा में साथ जैसा कहूँगा कि आँख बंद ही रखें, लोग आए मदद करने के लिए, ब्रदर ब्रदर ताकि ब्रदर लोगों की आंखों में काफी जलन हो रही है। ये एक ऐसा मौका है, मैं चाहूंगा फोन लाइन के जरिए, मैं संपर्क टूट गया, मैं चाहूंगा संपर्क एक बार स्टैब्लिश करने की कोशिश करें ताकि मैं आपकी आवाज सुन पाऊं। यहाँ इस समय आपकी आवाज मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, फोन लाइन यहाँ पर नेटवर्क कंजेशन की वजह से लाइन ड्रॉप हुई है। देखिए ये सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री कार्यालय के ठीक बाहर, जो कि अब देश के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंघे के घर के बाहर की तस्वीर। ये जो धुआं है, ये धुआं प्रदर्शनकारियों को भीड़ की को तितर बितर करने के लिए किया गया है। लोग आगे बढ़ रहे हैं, वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं, सेना और पुलिस समझ नहीं पा रही है कि इसको यहाँ से हटाया कैसे जाए। कई सारे प्रदर्शनकारी जो लौट के आ रहे हैं वो अब गैस मास्क पहनकर आगे बढ़ रहे हैं, और उसके बाद हालात जो हैं वो लगातार खराब हो रहा है।